पढ़ाई लिखाई का स्तर राज्य के औसत से कम है। साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग इन पंचायतों में विशेष अभियान चलाएगा। आप जो बोल रहे थे पंचायत का, तब पंचायत का भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार आज भी देश के उन राज्यों में शामिल है जहां साक्षरता दर सबसे कम है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे एक बड़ी चुनौती मानते हैं। और इसी चुनौती को लेकर के अब नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य की वे पंचायतें जिन पंचायतों में साक्षरता दर सबसे कम है, वहां विशेष अभियान चला करके शिक्षा विभाग वहां के लोगों को साक्षर बनाने की दिशा में और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए आगे अभियान चलाएगी। दरअसल नीतीश कुमार आज बिहार विधानसभा में बोल रहे थे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उन्होंने राज्य में जो हुए जाति सर्वे की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर अपना वह मंतव्य दे रहे थे। और इसमें नीतीश कुमार अलग अलग सुझाव दिए हैं, जिसमें एक सुझाव उनका यह भी है कि शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के उन पंचायतों को चिन्हित किया जाए जहां साक्षरता दर सबसे कम है, यानी कि लोग निरक्षर हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करने और तमाम बच्चों को साक्षर बनाने के लिए उन्होंने शिक्षा विभाग से एक विशेष अभियान के तहत उन पंचायतों को चिन्हित करने और उन्हें अभियान चला के लोगों को साक्षर करने की बातें कही हैं। तो आज नीतीश कुमार ने विधानसभा में इसे लेकर के और उनकी क्या सोच है और इसे कैसे आगे क्रियान्वित किया जाएगा और पर क्या क्या बातें कही हैं, आप सुनिए नीतीश कुमार की सारी बातें। जाति आधारित गणना में, अब सुनिए ना, पंचायत का बात आपको लास्ट में बता रहे हैं, अरे सुनिए ना, वैसे सुनिए, आप एक लास्ट बात सुन लीजिए, सुन लीजिए आप आसान कर रहे जाति इस जाति आधारित गणना में वैसे पंचायतों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां साक्षरता दर पढ़ाई लिखाई का स्तर राज्य के औसत से कम है। साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग इन पंचायतों में विशेष अभियान चलाएगा। आप जो बोल रहे थे पंचायत का, तब पंचायत का भी करेंगे, अरे सुनो ना बता। तो इसीलिए हम इतना बात आपको बता दिए माननीय सदा शांति बनाइए, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अब इसके बाद आप बैठ जाइए, सुनिए, हमारा विश्वास है। अब इतना बात हमने आपको बता दिए तो हमारा ये विश्वास है कि जाति गणना के साथ साथ आर्थिक और शैक्षणिक जानकारी के आधार पर खाली जाति गणना नहीं कराए हैं, बल्कि सबकी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन करवा लिए। इन दोनों के आधार पर इन ऐसी ऐसी नीतियां बना करके, नीतियां योजनाओं से समाज के गरीब एवं हाशिए पर अवस्थित लोगों का विकास होगा और न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है। जिस दिन हम काम संभाले हैं, भूलिए मत, न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है, ये काम को करेंगे। और लास्ट में हम आग्रह करेंगे कि अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि राज्य में हुआ तो ये सब काम शुरू कर दिया जाएगा, और अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना पूरे तौर पर करा करके, और हम तो आग्रह करेंगे उनसे भी कि आर्थिक स्थिति की भी पूरी जानकारी सबका ले लीजिए और उसी से और नीतियां वहां से बना दीजिए, तो उससे सबको लाभ होगा, सब आगे बढ़ेगा। हम तो केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे और जो कुछ भी रिपोर्ट है, हम लोग ये सारी रिपोर्ट आज यहां मीटिंग हो रही है और राज विधान परिषद में भी हो जाएगा, उसके बाद सब हम लोग केंद्र सरकार को भी ये सारी बातों को भेज देंगे कि आप लोग भाई आगे और जो करना है करिए। अब हम लोग तो यहां पर कर चुके हैं, इसलिए यहां के सुधार के लिए हम लोगों की हैसियत है, उसको करेंगे, लेकिन साथ साथ बिहार एक गरीब राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए ताकि बहुत उत्थान होगा।